आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। जहाँ पहले थी वहीं के वहीं खड़े हैं और लोग देखते ही देखते आगे बढ़ गए। किसी भी थर्सडे को बाजार से जल कुंभी ले आए, पीले कपड़े में बांध कर घर में कहीं लटका दें, लेकिन इसके बारे में ना किसी से कहें ना इसको बार बार छुएं। हफ्ते में एक बार इसको बदल कर नई कुंभी को ऐसे ही बांध दें। 7 थर्सडेज ऐसा करें, सच्चे मन से करके देखिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी जरूर होगी। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या लंबा वक्त बीतने के बाद भी आपकी शादी नहीं हो रही है? थर्सडे के दिन भगवान की पूजा के बाद केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर नहीं हो तब हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और आपकी शादी की बात पक्की हो जाएगी। आमदनी नहीं बढ़ रही है, बहुत कोशिश करके भी जहां थे वहीं हैं, तो आप जो भी कमाए उसका 10वां हिस्सा गरीबों को भोजन या कन्याओं को भोजन और कपड़े लत्ते के लिए दें। कन्याओं की शादी, धर्म स्थानों को बनाना, इस काम में खर्च करिए। देखिए आपकी आमदनी कितनी जल्दी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन 10वें हिस्से से अधिक खर्च करने पर आमदनी बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। कहते हैं ना, हर काम लिमिट में किया जाए तो बढ़िया होता है। और एक बात याद रखिए, कभी भी जरूरत में हो तो कोई उसकी मदद जरूर करे, आपके बहुत काम आएगा। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आमदनी से अधिक खर्चा होता जा रहा है? आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप ध्यान रखिए कि आपके घर में कोई नल लीक ना होता हो, अगर पानी ना टपकता हो, और अगर कहीं दूध रखा हो, चाय उबलनी हो, तो दूध गिरना नहीं चाहिए, वरना आमदनी से ज्यादा खर्चा होने की संभावना रहती है। क्या अचानक पैसे मिलने के हालात बनते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता? गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। याद रखिएगा, ये चंदन पीले धागे से ही बंधा होना चाहिए। ऐसा आपको 7 हफ्ते लगातार करना है। हफ्ते में कोई भी एक दिन तय कर लीजिए, कुछ वक्त में आपको फायदा दिखने लगेगा।